नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं श्रीमान भोपाल सिंह खदरी जी, उनकी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई और वो न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश हुई थी 15 अगस्त 2022 को, और आज मैं 16 अगस्त को इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दोस्तों, स्टेटमेंट के अनुसार क्या बताया गया कि ग्रुप सी की और ग्रुप डी की अब रिक्रूटमेंट किस प्रकार से होगी, और सारा उसके बारे में डेटा दिया गया। तो सबसे पहले ना आज इसी के बारे में बात करेंगे कि स्टेटमेंट के अनुसार क्या कहा गया है, फिर उसके बाद में एजुकेशन के रिक्रूटमेंट के बारे में भी बात की गई है, वो भी बात करेंगे। फिर उसका ना थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे, एनालाइज करेंगे कि वास्तव में जो स्टेटमेंट है उसका मतलब क्या है, और फिर कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि स्टेटमेंट के अनुसार रिक्रूटमेंट होगी या फिर इसके अंदर और कुछ शामिल है या किस प्रकार से हमें प्रिपेयर इसके लिए रहना चाहिए। तो दोस्तों, आइए इसका पूरा एनालिसिस करते हैं। इसको पूरा देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करें ना, जो रिक्रूटमेंट होती है वो सी और डी जो ग्रुप होते हैं उसकी रिक्रूटमेंट HSSC यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत होती है, परंतु इसी के साथ में एजुकेशन को भी जोड़ लिया जाए, क्योंकि एजुकेशन के अंदर जैसे PGT की वैकेंसी आती है वो आती है ग्रुप बी के अंदर है, और वो गजेटेड पोस्ट हैं, परंतु इनका सिलेक्शन भी होता है, इनका रिक्रूटमेंट भी होता है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत है। तो हम इसको बारी बारी से ऐसे समझते हैं कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो रिक्रूटमेंट करता है, पहली करता है ग्रुप डी की, फिर करता है ग्रुप सी की, और फिर उसके साथ में करता है एजुकेशन रिक्रूटमेंट भी। अब एजुकेशन को बाहर रखा गया है इसलिए मैंने इसकी कैटेगरी को अलग बनाया है। कहाँ से बाहर रखा गया है, आपको पता है कि हरियाणा के अंदर एक टेस्ट होने वाला है जिसका नाम है CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ग्रुप और सी और ग्रुप और डी यानी कि ग्रुप सी और डी की दोनों भर्ती अब होंगी CET के तहत, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के तहत होंगी। इसकी टेंटेटिव डेट भी आ गई है 4 से 5 नवंबर, हो सकता है 4 या 5 नवंबर को ये टेस्ट हो जाए। इसी के साथ में यदि बात करें एजुकेशन की, एजुकेशन की अलग से भर्तियां निकलती हैं, अलग से उसका शेड्यूल होता है, अलग से उसका रिक्रूटमेंट होता है, उसके लिए भी अलग अलग क्राइटेरिया है। परंतु सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि श्रीमान भोपाल सिंह खदरी जो चेयरमैन है HSSC के, उनकी स्टेटमेंट क्या है। उनकी स्टेटमेंट के अनुसार मतलब जब ये टेस्ट हो जाएगा CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 4 या 5 नवंबर को जिसकी डेट है डिसाइडेड, तो उसके बाद में 54,000 वैकेंसी आएंगी ग्रुप सी और डी की। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप डी की। ग्रुप डी की वैकेंसी आएंगी 22,000 और ग्रुप सी की वैकेंसी आएंगी 32,000, परंतु इन 32,000 के अंदर 6,000 वैकेंसी पुलिस की भी हैं और बाकी सिविल, मतलब जो ग्रुप सी के अंदर सिविल सर्विसेज हैं बाकी वो सारी इसके अंदर आएंगी। अब बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन के बारे में क्या कहा गया कि टोटल जो वैकेंसी आएंगी वो आएंगी 1500, और वो 1500 आएंगे सिर्फ TGT की यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की। यहाँ पे चेयरमैन साहब ने बिल्कुल भी PGT और PRT के बारे में कुछ भी नहीं कहा, यानी कि स्टेटमेंट में तो भी बिल्कुल भी है नहीं। तो यहाँ पे एक बताया क्या गया है, बताया ये गया कि TGT की वैकेंसी आएंगी 1500, और 1500 में से 900 आएंगी मेवात कैडर की, और बची 600 यानी कि 600 वैकेंसी होंगी वो होंगी रेस्ट ऑफ हरियाणा की। यदि आप हरियाणा से बाहर के हैं तो मैं आपको बता दूं, हरियाणा के अंदर ना 2 कैडर फॉलोअप होते हैं, एक होता है मेवात का और एक होता है रेस्ट ऑफ हरियाणा का। मेवात बिल्कुल दिल्ली के नज़दीक है और वो थोड़ा सा एरिया पिछड़ा हुआ है, तो इसलिए मेवात कैडर को अलग से कंसिडर किया जाता है, वहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा वैकेंट हैं, तो इसलिए 900 वैकेंसी वहाँ के लिए और 600 हैं वो रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए। तो ये तो बात होती है स्टेटमेंट की, कि स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, परंतु इसी के साथ में इस स्टेटमेंट के साथ यदि आप एक चीज और गौर करेंगे, जो टेस्ट के बारे में बताई गई है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 4 और 5 नवंबर को होगा, यहाँ पे थोड़ा सा पैंच फंसा हुआ है। वो पैंच क्या फंसा हुआ है कि CET के तहत जितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया वो टोटल कैंडिडेट लगभग 12 लाख हैं, एक्यूरेट यदि संख्या बताए तो 11,39,000 कैंडिडेट हैं। और इन मतलब पहले तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, इतना बड़ा चैलेंज होगा कि इतने लार्ज स्केल पे बच्चों का टेस्ट करवाना, फिर भी मान लिया इसको मैनेज करवा लिया जाता है, तो एक समस्या और आई हुई है, 40,000 बच्चे ऐसे हैं जिनकी फीस कन्फर्म नहीं हुई। अब जिस प्राइवेट कंपनी को टेंडर दिया गया था फॉर्म फिल करवाने के लिए, उस कंपनी से संपर्क किया जा रहा है, कमीशन की मीटिंग वगैरह होगी, बाद में इसका डिसीजन आएगा, क्योंकि अभी 16 अगस्त तो हो ही चुका है और टेस्ट की जो टेंटेटिव डेट 4-5 नवंबर है,
तो बहुत फास्ट मोड में काम करना होगा कि 40,000 कैंडिडेट्स का क्या किया जाए, इनको अलग से टाइम दिया जाए, फीस कन्फर्म उसकी कैसे करवाई जाए। तो दोस्तों ये बात तो हुई स्टेटमेंट से रिलेटेड, अब बात चलते हैं इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो सबसे पहले ना बात सीईटी से ही शुरू करते हैं, यानी कि ग्रुप डी और सी के लिए जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, इसी से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों आज ना 16 अगस्त है, 16 अगस्त हो चुका है और हमारे पास यदि देखा जाए तो लगभग 1 महीना या फिर 1.5 महीना भी आप कह सकते हैं, क्योंकि 4 से 6 नवंबर यानी कि 4 या 5 नवंबर को तो टेस्ट की डेट ही टेंटेटिव डिक्लेयर की गई है नवंबर में। तो जो 40,000 कैंडिडेट्स की जिसकी मैं बात कर रहा था वो अभी अदर में लटके हुए हैं, तो ये सारा प्रोसेस इस दौरान हो जाना, फिर उसके बाद में कम से कम जो हमारे एडमिट कार्ड आते हैं 15 से 20 दिन पहले वो ये आ जाते हैं। तो थोड़ा सा अभी जो टाइम है वो बड़ा क्रूशियल है और मुझे नहीं लगता कि 1 महीने में सारा कुछ कवर हो जाएगा, तो हो सकता है कि ये डेट सीईटी की वो फर्दर चली जाए थोड़ी सी आगे, और ये दिसंबर में चली जाए या जनवरी फरवरी मार्च में हो सकता है ये चली जाए। यदि इन 40,000 कैंडिडेट्स के बारे में गवर्नमेंट या कमीशन सीरियसली सोचता है तो उसके बाद तो डेट एक्सटेंड होगी, और यदि 40,000 को छोड़ दिया जाता है फिर ये पेपर हो सकता है 4 से 6 या 4-5 नवंबर को भी। तो कंक्लूजन क्या है कि सीईटी का जो टेस्ट है ये मे बी पोस्टपोन्ड हो सकता है। तो पहली बात ये पोस्टपोन्ड हो सकता है तो जो हमारी वैकेंसी आएंगी 54,000 यानी कि 54,000 जो स्टेटमेंट आई थी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन की वो भी डिले हो जाएंगी। तो ये है मेरा एनालिसिस सीईटी के बारे में। अब बात करते हैं टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो हरियाणा से रिलेटेड है उसके बारे में। देखिए दोस्तों कि अभी जो चेयरमैन साहब उन्होंने पीजीटी के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा, और ये कहना चाहिए था क्योंकि पहले जो पीजीटी की वैकेंसी आई हुई थी उनको विड्रॉल कर लिया गया है, और उनको विड्रॉल करने का प्रमुख कारण पता क्या था, रीएडवर्टीजमेंट यानी कि सोशल स्ट्रक्चर है जो सोशल इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया है उसके अंदर थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया था, और ये बात कही गई थी बहुत ही जल्द वैकेंसी हमारे सामने आ जाएंगी और वो वैकेंसी पीजीटी के तौर पर आएंगी, परंतु पीजीटी के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया है। और टीजीटी की वैकेंसी जो अभी हैं बताई गई हैं वो 1500 ही बताई गई हैं, और रेस्ट ऑफ हरियाणा की सिर्फ 600 ही बताई गई हैं। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट टास्क मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, देखिए चाहे टीजीटी हो पीजीटी हो कोई भी हो, मैं पीआरटी पे थोड़ा सा डाउटफुल हूँ कि उसकी वैकेंसी आएंगी, वैकेंसी तो सारी आएंगी। जैसा मैं पहले भी बता रहा था एक और वीडियो के अंदर 2023 तक और जून तक ही आने की संभावना है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भी पीजीटी की और टीजीटी की सारी वैकेंसी आने की बेहद अच्छी संभावना है, परंतु ये नहीं पता चलता कि गवर्नमेंट क्या सोचती है क्या करती है कमीशन इसमें क्या कर रहा है। तो कंक्लूजन मेरा यही है कि टीजीटी की वैकेंसी तो आएंगी ही आएंगी निश्चित तौर से, वो 1500 हो सकती है ये बात बिल्कुल ठीक मुझे लगती है, पीजीटी की वैकेंसी भी बहुत जल्द हमारे सामने आएंगी, इसी के साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी हमारे साथ में आएंगे, परंतु हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से लेना देना नहीं है, वो एचपीएससी के तहत आता है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत ये आता है। तो जो इंपॉर्टेंट बात है जो एनालिसिस है मेरा वो ये कहता है कि टीजीटी की और पीजीटी की वैकेंसी बेहद जल्द हमारे सामने आ जाएंगी, तो हमें इसकी तैयारी अब कर लेनी चाहिए। मतलब क्या है कि जो कैंडिडेट्स पीजीटी की टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद सुनहरा मौका है, अच्छा मौका है, और उनको बगैर टाइम गवाए उनको अपनी प्रिपरेशन शुरू यहाँ पे कर देनी चाहिए। अब दोस्तों इस वीडियो के ना लास्ट फेस में चलते हैं और वो कंक्लूजन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। कंक्लूजन में मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि देखिए भोपाल सिंह खदरी जी हैं जो चेयरमैन है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के, बहुत ही आदरणीय हैं, उनकी स्टेटमेंट ना कई बार मैंने देखी है, और जब पीजीटी की वैकेंसी विड्रॉल हो रही थी तब भी 2 महीने का टाइम दिया था, एक बार एक और यूट्यूबर था उसने एक इंटरव्यू लिया था उस समय भी ये खबर आई थी कि विद इन मंथ बहुत सारी वैकेंसी हमारे सामने आएंगी, तो अलग अलग टाइम पे ना अलग अलग बार कई बार उन्होंने डिक्लेयर किया है कि वैकेंसी बहुत जल्द आएंगी इतनी आएंगी वगैरह वगैरह ये सब आई है, परंतु वो स्टेटमेंट क्या है कि अभी तक पूरी नहीं हुई है, एक भी टाइप की वैकेंसी हमारे सामने नहीं आई है। आप ये कहेंगे कि इसके अंदर ना अकेली बात करें कि चेयरमैन साहब की गलती है, बिल्कुल भी नहीं है कि इसके अंदर बहुत सारे कनेक्टेड सोर्स होते हैं, इसके अंदर गवर्नमेंट का रोल भी होता है, और आपको पता है कि डेमोक्रेसी मेन डिसीजन डिलेड, तो डिसीजन डिले हो जाते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बहुत सारी अथॉरिटीज के अंदर कंसर्न करनी पड़ती हैं, तो जिसके कारण क्या है कि धीरे धीरे मतलब लेट लतीफी होती चली जाती है, परंतु लेट लतीफी का मतलब ये नहीं है कि रिक्रूटमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी, रिक्रूटमेंट होंगी, परंतु जो स्टेटमेंट चेयरमैन साहब की हो सकता है इससे वेरिएशन में आए,
मतलब अलग आई, टीजीटी के साथ में, पीजीटी की तो मैं कह ही रहा हूँ, हो सकता है कि पीआरटी की भी हमारे सामने वैकेंसी आ जाए, तो इस बात को आप जरूर समझिएगा। तो ये था दोस्तों आज का कंक्लूजन, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक दीजिएगा इजाजत, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद।